मामला ऐसा है कि एक इमारत बन रही थी इंगल फारसी की, तो उसके ऊपर वाटर लोड हो जाने की वजह से वो इमारत बैठ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है, कुछ माली नुकसान हो गया है बट जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ है। 3 छोटे छोटे बच्चे हल्के मतलब मामूली तरह से ज़ख्मी है, और एक लेडी है जिसकी उम्र करीब 27-28 साल आएगी, तो उसको थोड़ा सा सर में मार लगी है, बाकी कोई ऐसी खास इंजरी नहीं है या कुछ भारी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। बस वही इमारत जो गिरी है उसी का मलबा है और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अफवाहों पर ध्यान ना दे कि ये हो गया ये या ऐसी कोई बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और आगे दुआ करते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना हो। कितने मकानों का नुकसान हुआ? मकान तो जो बन रहा था वो एक वो मकान है, और देखा जाए तो लेफ्ट साइड में 2 मकान है और राइट साइड में 1, मतलब कुल मिलाकर 4 मकान को नुकसान पहुंचा है, 4 इमारत को नुकसान पहुंचा। पूरी तरह ज़मीन दोज हो गए, पूरी तरह आप देख सकते हो पूरी तरह ज़मीन दोज हो गए हैं। और क्या वजह हो सकती है? मकान जब बनता है तो पहिया मजबूत करना पड़ता है, बस वजह इसकी यही है कि पहिया मजबूत नहीं हुआ उसकी वजह से नुकसान हो गया। उनको समझ नहीं आया कि यार क्या वजह है। ख़ास तौर से खुशामद पूरे के तमाम ही नौजवान, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, ख़ास तौर से अब्दुलरहमान सपना है और मालिक है और नसीर कश्मीरी है, मोहम्मद अली कश्मीरी है, और बाकी तमाम खुशामद पूरे इमाम अहमद रज़ा चौक के और तमाम घरों के आसपास के घर के या जिनका मकान गिरा उनके तमाम रिश्तेदार, उनके रिश्तेदारों में मैं भी हूँ, तो उस पूरे महल्ले ने मिलकर मेहनत की है। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि इसने ज़्यादा की उसने ज़्यादा की, तमाम लोगों ने मिलकर मेहनत की। कॉर्पोरेशन के ऑफिसरान भी आए हुए हैं? तमाम कॉर्पोरेशन के ऑफिसरान आए हुए हैं, पवार साहब भी आए हैं फायर ब्रिगेड से, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आज़ाद नगर सेक्शन का करीब वो लोग भी आ करके बहुत हेल्प किया। हमारे शकील तैराक साहब है और तमाम ही मतलब डिपार्टमेंट जो पुलिस वाले हैं कॉर्पोरेशन के हैं और न्यूज़ वाले हैं, तमाम ही लोगों ने आकर जो भी मतलब उनको टाउन करना चाहिए अपने तौर से उन्होंने टाउन किया। लमसम कितनी मालियत का नुकसान हुआ है? ये तो अंदाज़ा भी नहीं बता, अंदाज तो नहीं बता सकते हैं, बट करीब 7-8 लाख 10 लाख के करीब हुआ होगा ऐसा अंदाज है। 4 इमारत है, मुझको तो अंदाज नहीं है, हो सकता है ज़्यादा भी हुआ हो, मैं एक अंदाज के तौर से अंदाजे के मुताबिक। पेशेंट लोग की हालत कैसी है, कहाँ पर है? अभी तो पेशेंट लोग ममता हॉस्पिटल में थे, अभी डॉक्टर अबरार का मुझको फ़ोन आया है कि यार इनको सुहेल में शिफ्ट तो करना है, अब जा रहे हैं सुहेल हॉस्पिटल, देखते हैं उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज बोलो जुमरात खुशामद पूरा खानकाह मस्जिद के पास आसपास में जो मकान के काम चालू थे, और वो मकान अच्छे ढंग से बन रहा था मगर टेक्निकल मिस्टेक या कोई भी सामान की वजह से वो घर बैठ गया, और जिसकी वजह से बाजू के जो घर थे कच्चे मकान उसके ऊपर गिरने से लोग आजू बाजू के 2 फैमिली के लोग जख्मी हुए और बाकी सबको निकाल लिया गया है सिविल हॉस्पिटल में, उनको एडमिट करा दिए। बहरहाल वो लोग की हालत थोड़ी सी ख़राब है, बहरहाल कोई ऐसी खतरे से बाहर है वो लोग, और एक की ऐसी आशंका है कि शायद वो अंदर है बच्ची, एक लड़की नहीं है, इसलिए उसके लिए सब पूरे महल्ले के नौजवान लोग मिलकर सब अच्छे ढंग से वो देख रेख कर रहे हैं और निकाल रहे हैं सब जितने भी वहाँ पे सब कानकी है, पत्थर है, और जो जो बहाले गिरी है टूटी है सब चीज़ उठाकर निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ना हो, मगर एक पुष्टि दिया जा रहा है कि एक बच्ची है अंदर, अभी पूरा 1-2 घंटे के अंदर पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि कोई है कि नहीं। बहरहाल आजू बाजू के टोटल लोग के निकलने की वही एक बच्ची की जरा सी मसला है, हो सकता है कि अगर ना रहे तो बेहतर है, इसलिए सब ये महल्ले के लोग सब इलाके के लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में सब सीधा हो जाएंगे। ये फायर ब्रिगेड पे कर्मा भाई और कॉर्पोरेटर एजाज बेग और महल्ले के लोगों ने फ़ोन किया कि बजरंग ये अपना भाई खल्ला झुपड़पट्टी में 3 मंजिला फर्सी का घर गिर गया है, फौरन हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारे अधिकारी पवार साहब और हमारी पूरी 3 गाड़ियाँ लेके मौके वारदात पर पहुँचे, और जो बच्चे दबे हुए थे पब्लिक की मदद से उस बच्चों को निकाल कर अभी सामान्य रुग्णालय भेजा गया है।